और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अशोकनगर से, जहां कलेक्टर आर उमा महेश्वरी ने किया औचक निरीक्षण। जी हां, आपको बता दें एसडीएम और तहसीलदार कार्यालय में पहुंची कलेक्टर, रेवेन्यू प्रकरणों सहित अन्य मामलों की ली जानकारी। एसडीएम कार्यालय का भवन हो चुका है जर्जर, नए एसडीएम कार्यालय के लिए भेजा गया है प्रस्ताव और एसडीएम कार्यालय को दूसरी जगह किया जा सकता है शिफ्ट। साफ सफाई और कोर्ट में सुधार के दिए निर्देश। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अशोकनगर से, जहां कलेक्टर आर उमा महेश्वरी ने किया औचक निरीक्षण। एसडीएम और तहसीलदार कार्यालय पहुंची कलेक्टर, रेवेन्यू प्रकरणों सहित अन्य मामलों की ली जानकारी। एसडीएम कार्यालय का भवन हो चुका है जर्जर, नए एसडीएम कार्यालय के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। एसडीएम कार्यालय को दूसरी जगह किया जा सकता है शिफ्ट। एक औचक निरीक्षण किया गया है एसडीएम कार्यालय में और तहसीलदार कार्यालय में, उनका रेवेन्यू केसेस का और भी अन्य केसेस का सारे निरीक्षण किया है। इसमें मेन क्या है, एसडीएम कार्यालय का कंडम घोषित किया गया है, सो इसका नया एसडीएम कार्यालय के लिए शासन को हमने प्रस्ताव भेजा। सो जल्दी जैसे ही स्वीकृति मिलेगा हम कार्य चालू कर देंगे कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था, तत्काल इनको हम वहाँ पे शिफ्ट करके फिर हम जैसे ही स्वीकृति मिलेगा यहाँ पे हम निर्माण कार्य चालू कर सकते। सभी संबंधित रीडर्स को और सभी संबंधित अधिकारी को और साफ सफाई और कोर्ट में भी सुधार के लिए हमने निर्देश दिया है, इसका पालन हम लेंगे और अगले महीने इसकी समीक्षा करेंगे। एक महीने का समय दिया है, फिर एक महीने के बाद इसकी समीक्षा करेंगे।